कानपुर से आ रही है बड़ी खबर। एक बार फिर आज अभी न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। नशे के सौदागरों के खिलाफ कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कानपुर दक्षिण पुलिस द्वारा नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। हमारे द्वारा कानपुर दक्षिण के दो थाना क्षेत्रों में होने वाले नशे के काले कारोबार की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसके बाद दोनों थाना क्षेत्रों में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसपी साउथ दीपक भूकर व सीओ बाबूपुरवा आलोक सिंह के निर्देशन में बाबूपुरवा इंस्पेक्टर जनार्दन प्रताप सिंह द्वारा तरस गांजा बेचने वाले तीन लोगों को गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं आपको बताते चले, आज अभी न्यूज द्वारा जिन लोगों को तरस गांजा की बिक्री की खबर प्रसारित की गई थी, उनमें से तीन लोगों को इंस्पेक्टर बाबूपुरवा जनार्दन प्रताप और उनकी टीम द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं किदवई नगर पुलिस द्वारा करीब आधा दर्जन लोगों पर गैंगस्टर की गंभीर धाराएं लगाकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। नशे के सौदागरों पर कानपुर दक्षिण पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कानपुर से संवाददाता प्रांजु मिश्रा की रिपोर्ट, आज अभी न्यूज़।